Third video of chapter 7, that is HTML. In the last video we have gone through how to create HTML document in a computer. In today we are going to learn about how to edit that HTML document that we have made earlier. So for that we will go to the folder where we have created the HTML document. इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फोल्डर में जाएंगे जहां पे हमने वो फोल्डर क्रिएट किया हुआ है. हमने लास्ट टाइम डेस्कटॉप पे किया था, इस बार हमने क्या करना है, उसे हमने एक ड्राइव में रख लिया और उसका हमने नेम रखा था माई एच टी एम एल. देखिये हमने इस फोल्डर को ओपन किया है, माई एच टी एम एल को. देखिए यहाँ पर एच टी एम एल प्रैक्टिकल करके उस फोल्डर का नेम है जो कि हमने लास्ट टाइम रखा था. अभी क्या है, इस एच टी एम एल फाइल को हम अब उसे वापस चेंज करना, उसमें कुछ एडिट करना है. तो कैसे करेंगे एडिट, means that how can we open that existing HTML file and how can we make changes or do some addition in that HTML file. For that we will do right click on that. तो इस पे हम right click करेंगे and select open with और choose क्या करेंगे, open with और choose करेंगे notepad. यदि आपने computer में पहली बार कर रहे हैं आपको notepad यहाँ पे नहीं दिखेगा तो choose another app में जाएंगे और यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे, इसमें भी आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पे मोर ऐप में जाएंगे तो आपको नोटपैड दिख जाएगा. तो हमने इसे क्या किया, नोटपैड के साथ ओपन किया. जैसे हमने इसे नोटपैड के साथ ओपन किया, देखिए आपको यहाँ पर एच टी एम एल प्रैक्टिकल का फाइल है, आपको ये दिख रहा है जो कि हमने लास्ट क्लास में बनाया था. एच टी एम एल हेड, टाइटल, हेड, बॉडी इस तरह से है और इसका आपको देखिए ये फाइल किस तरह से आपको दिख रहा है. ये रहा आपका फाइल जो कि आपको एग्जिस्टिंग पहले से आपको दिख रहा है कि किस तरह से है और ये नोटपैड का फाइल है. मैं दोनों ही एडजस्ट कर दे रहा हूं ताकि आप ठीक ढंग से देख कर समझ पाए कि कैसे हमने फाइल रखा, हमने दोनों को साइड बाय साइड लगा दिया. ठीक है, ये देखिए ये हमने लास्ट क्लास में आपको ये सिखाया था. देखिए मैंने लिखा माई स्कूल इज ब्राइटलैंड, यहाँ पर क्या है, HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी बैकग्राउंड है, माई स्कूल इज ब्राइटलैंड, हमने ये लिखा है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का जो कि आपको याद रखना है. इस बार हमको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये सीखनी थी कि जो पहले से एग्जिस्टिंग HTML फाइल है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसमें. तो सबसे पहले आपको जो पहले से बना हुआ एग्जिस्टिंग HTML फाइल है उसको ओपन करना है, जो कि हमने राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ नोटपैड करेंगे. अभी फिर हम क्या करेंगे, मैंने इसमें कुछ चेंज करना, माय स्कूल इज ब्राइटलैंड इसको हम चेंज करते हैं, माय नेम इज मोहन ऐसे कर दिया. ठीक है, फाइल में गया, सेव किया. अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो माय स्कूल इज ब्राइटलैंड लिखा है यहाँ पे चेंज होकर के आ जाएगा माय नेम इज मोहन. देखिए अब आ गया यहाँ पे माय नेम इज मोहन. ठीक है, अभी एक चीज और देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे देखिए बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू बीच डॉट जेपीजी है. अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई दूसरा इमेज लेना है हमें. तो दूसरा इमेज हम कैसे लेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस नोटपैड के फोल्डर में जाना होगा, अपने फोल्डर में जहाँ पे कि हमने बहुत सारे फाइल रखे हुए. देखिए मैं फोल्डर में गया, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है टैंक, है ना, ये टैंक पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, वापस प्रॉपर्टीज में देखा. देखिए आप प्रॉपर्टीज में जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा टाइप ऑफ फाइल क्या है, डॉट जेपीजी. तो हमने क्या करना, इसको भी फाइल का नेम क्या है, टैंक, और एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेपीजी. तो इसे ओके कर दिया और हम वापस जाएंगे इसे नोटपैड में, और नोटपैड में जाने के बाद हम उस फाइल का नेम को चेंज करेंगे. देखिए हमने नोटपैड में गया, यहाँ पे बीच डॉट जेपीजी है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैंक, tank tank.jpg हमने लिख दिया. फाइल में किया, सेव किया, और जैसे ही सेव करेंगे अब आप इसमें देखिए आपका ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आप वापस देख सकते हैं. इसको हमने ओपन कर दिया, देखिए ये टैंक आ गया हमारे पास इमेज में. इस चीज को हम फिर से समझेंगे एक बार स्टूडेंट्स, इसको हम दोबारा से देखते हैं कि जो भी आपने फाइल का नेम यहाँ पे रखा है, जैसे टैंक डॉट जेपीजी रखा है, मान लीजिए हमने वापस यहाँ पे कर दिया बीच, बी ए सी एच, बीच डॉट जेपीजी. जैसे यहाँ पे फाइल में किया, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये फाइल देखिए इमेज चेंज हो गया.
वापस हमने इसे करना है टैंक, तो आप इसको सिलेक्ट करिए टैंक tank tank.jpg, यहाँ पे फाइल में जाइए, सेव करिए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए तो ये इमेज तुरंत से चेंज हो जाएगा। देखिए ठीक है, अभी आपको कोई और भी इमेज लेनी है तो आप वो भी ट्राई कर, जैसे यहाँ मून है, अब मून का भी राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि क्या फाइल एक्सटेंशन है, तो मून डॉट जेपीजी है। अब वापस देखिए यहाँ पे हमने टैंक को है हमने क्या किया, मून कर दिया, MOON मून डॉट जेपीजी फाइल में गया, सेव कर दिया और ये हमारा फाइल देखिए पहले से खुला हुआ है इसका, यहाँ पे देखिए मून डॉट जेपीजी हमने कर दिया। जैसे रिफ्रेश करेंगे इसको हम दबाएंगे, ये आपका इमेज जो है वो चेंज हो जाएगा मून में। देखिए देखिए यहाँ पे भी वही है, इमेज छोटा है इसलिए दो आ गया है लेफ्ट और राइट करके। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड में कोई भी इमेज को रख सकते हैं, आपको बहुत आसानी होगा। जैसे आपने देखिए ये जो माई एच टी एम एल हमने बनाया है, इसमें बीच, मून, टैंक, बेबी, ये सारा इमेज क्या है, इस फोल्डर के अंदर ही है। हमने फोल्डर कहाँ रखा है, दिस पीसी रिकवरी डी ड्राइव में रखा है, माई एच टी एम एल इस फोल्डर के अंदर में ही सारा इमेज है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कोई भी इमेज हम लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें ये सीखना है कि इमेज के बदले में हम बैकग्राउंड में कोई कलर कैसे रख सकते हैं। जैसे आपने हमें लास्ट क्लास में बात किया था तो आपको बॉडी में जो बॉडी टैग है, बॉडी का ही कुछ एट्रीब्यूट है जिसके बारे में आपको पढ़ना था। तो पहला एट्रीब्यूट हमने पढ़ा बैकग्राउंड, अब हम पढ़ेंगे बॉडी बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यानी कि बीजी कलर, उसको शॉर्ट में बोलते हैं बीजी कलर। तो उसको हम कैसे लिखते हैं आप जरा देखेंगे। देखिए ये बॉडी का टैग है नॉर्मल, ऐसे यहाँ बॉडी ओपन हुआ है और यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ है, बीच में क्या है, माई नेम इज मोहन। अब हमने इसको यदि फाइल में जा करके सेव कर दिया और वापस इस नोटपैड को करेंगे रिफ्रेश, तो हमने चूंकि वहां से हटा दिया है, देखिए माई नेम इज मोहन ऐसे आ गया, यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। अभी आपको क्या है, हम इसे वापस चेंज करेंगे बॉडी बीजी कलर। तो बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर का है वो बॉडी का एट्रीब्यूट है, तो बॉडी लिखेंगे उसके बाद स्पेस देंगे, लिखेंगे बीजी कलर, COLOR, यहाँ पे कलर का स्पेलिंग COLOR हम लिखेंगे, COLOR, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये सारा कोड अमेरिकन इंग्लिश पे चलता है इसलिए कलर का स्पेलिंग COLOR लिखेंगे। बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू, हमने क्या किया, इक्वल्स टू दिया, फिर स्पेस दिया, डबल कोट के अंदर लिखा येलो, YELLOW, और डबल कोट क्लोज कर दिया, फाइल में गया, सेव किया और हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। देखिए अब ये कलर हो गया क्या, येलो, क्योंकि हमने वहां पे दिया है बॉडी बीजी कलर येलो। देखिए यहाँ पे अभी आपको चेंज करना है येलो को ग्रीन, आपने ग्रीन कर दिया, फाइल में गया, सेव किया, बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, अब ग्रीन हो गया, ठीक है। आप जरा देखिए ऐसे हमने क्या कर दिया, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ठीक है ना, बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू ग्रीन। यहाँ पे आप कोई भी कलर लिख सकते हैं, ब्लू, BLUE, जो भी कलर लिखेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, वो आप रिफ्रेश करेंगे, ये कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमने लिखा कलर AQUA, एक्वा, बॉडी कलर क्या है, बॉडी बीजी कलर एक्वा, सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, देखिए क्या है, माई नेम इज मोहन। तो ये क्या है, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया। इसके बाद बॉडी का ही एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, यानी जैसे बीजी कलर एक हो गया, एक बॉडी का बैकग्राउंड हो गया, एक हो गया बीजी कलर, दूसरा है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का मतलब कि जो हम लिखेंगे टेक्स्ट, जैसे यहाँ पर देखिए आपका जो टेक्स्ट है माई नेम इज मोहन, ये जो दिख रहा है, इस टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक। तो इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आप लिख दीजिए रेड, या जो भी आपको पसंद है आप वो कलर लिख दीजिए, फाइल में जाइए, सेव करिए, फिर यहाँ रिफ्रेश करिए, देखिए अभी बॉडी का टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड, आपको ये दिख रहा होगा इजीली, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ये आपको बहुत छोटा पड़ रहा है, आप इसमें H1 टैग लगा सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये टेक्स्ट आपको, यदि आप मोबाइल फोन में देख रहे हैं तो आपको बहुत ही छोटा दिखाई पड़ेगा। मैंने इसे H1 लगा दिया, फाइल में जाकर के सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, देखिए माई नेम इज मोहन, ये आपको फाइल दिख रहा है यहाँ पे।
तो अभी क्या है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर एक हुआ है। अभी मान लीजिए हमें बॉडी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हमें वापस से कर दिया येलो, येलो किया, फाइल में गया, सेव कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए बैकग्राउंड कलर क्या हो गया येलो, बट टेक्स्ट कलर क्या है रेड। हमने टेक्स्ट कलर को ग्रीन करना है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, GREEN ग्रीन कर दिया, फाइल में गया, सेव किया, या फिर आपने जैसे यहाँ पे ग्रीन किया ना, उसके बाद आप तुरंत से कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबा सकते हैं और फिर यहाँ पे आकर के रिफ्रेश दबाइए, देखिए बॉडी का टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया हमने, ग्रीन कर दिया। आप कोई और भी कलर कर सकते हैं, जैसे मान लो बॉडी बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया है ना, टेक्स्ट कलर कर दिया एक्वा या येलो कर दिया, YELLOW कर दिया, फाइल में गया, सेव किया। अभी आप ध्यान देंगे क्या है, बॉडी बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर क्या है रेड, तो ये जो येलो दिख रहा है वो हो जाएगा रेड और जो टेक्स्ट कलर या ग्रीन लिखा है वो हो जाएगा येलो। चेंज करिए, देखिए हो गया। तो ये हमने एट्रीब्यूट्स जाने बॉडी का, पहला इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बैकग्राउंड, अभी हमने जाना बीजी कलर और टेक्स्ट। इसके अलावा एक दो चीजें और जानी है आपको, मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन या टॉप मार्जिन, जो भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे भी अभी सीखेंगे। स्टूडेंट्स, लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन सीखने के पहले हमने एक चीज और सीखना है। पेज नंबर 99 में आपका है बेसिक कलर्स एंड देयर हेक्साडेसिमल कोड्स, यानी कलर का कुछ हेक्साडेसिमल कोड्स भी होता है जिसके बारे में कि आपको जानना है। जैसे आपने देखिए यहाँ पे हमने लिखा बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू रेड, तो हमने यहाँ पे रेड नहीं लिख करके हम कुछ और भी कोड लिख सकते। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिल्वर कलर का या ऑलिव कलर का एक कोड है, तो उसका लिखे कि हैज, है ना, कीबोर्ड से आप हैज लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 3 दबाया, हैज हो गया 808, उसके बाद आपका 3 टाइम्स 0, 1, 2, 3। हमने इसे फाइल में गया, सेव कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। देखिए ये कलर क्या हो गया, ऑलिव, जो ऑलिव ऑयल आता है उस कलर का आपका हो गया, माय नेम इज मोहन, इस तरह से। तो ये क्या हो गया कि आपका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, ये आपने सीख लिया। इसके बाद हमने लेफ्ट मार्जिन सीखना है, ठीक है। तो जैसे आपने बीजी कलर अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं, यहीं पर हम मार्जिन भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। मार्जिन जैसे आपने कॉपी में एग्जाम वगैरह देते हैं वैसे जिसमें मार्जिन होता है, वैसे ही सेम टू सेम मार्जिन है। तो आप मार्जिन, चूंकि क्या है कि ये बॉडी का एक एट्रीब्यूट है, इसलिए आप इसको बॉडी के साथ लिख सकते हैं। जैसे बॉडी लिखा हुआ है, हमने बीजी कलर या टेक्स्ट कलर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने हटा दिया, ऐसे हटा दिया, कुछ भी नहीं रखा, ठीक है, फाइल में गया, सेव कर दिया, मिनिमाइज किया इसे, आपने इसको रिफ्रेश किया, देखिए अभी अब कोई भी बॉडी कलर नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का कलर क्या है वो ब्लैक है। अभी हमने इसमें अब मार्जिन अप्लाई करना है, देखिए तो बॉडी का एट्रीब्यूट है, बॉडी लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे लेफ्ट मार्जिन, LEFT MARGIN, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन इक्वल्स टू का साइन देंगे, डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे। तो ये जो आपका मार्जिन होता है वो पिक्सल में होता है कि कितना पिक्सल लेफ्ट से आप मार्जिन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान ली मैंने लिखा 50, ठीक है, तो बॉडी में क्या लिखा, लेफ्ट मार्जिन इक्वल्स टू 50। आपको पीएक्स लिखना नहीं है, बस वैल्यू लिखना 50, वो कंप्यूटर खुद से डिसाइड कर लेगा। फाइल में देखिए मैंने सेव कर दिया। अब आप ध्यान देंगे जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये जो माय नेम इज मोहन है थोड़ी सा खिसक जाएगा 50 पिक्सल, देखिए थोड़ा सा 50 पिक्सल खिसक गया, ये आपको अच्छे से महसूस होगा यदि आप इसको 200 कर दें, 200 पिक्सल कर दिया हमने, फाइल में गया, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए यहां से ये अपने 200 पिक्सल ये खिसक गया, तो ये लेफ्ट मार्जिन हो गया। इस तरह से आप टॉप मार्जिन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट लिखा है इसी को आपने टॉप कर दिया, टॉप मार्जिन। तो मतलब हम ऊपर से क्या करेंगे, आपका ऊपर से जो यहाँ पर आपका है ये जो माय नेम इज मोहन लिखा है, ये इधर लेफ्ट से इतना खाली ना होकर के ऊपर से इतना खाली हो जाएगा, उतना मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। हमने टॉप मार्जिन 200 कर दिया, फाइल में किया, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, देखिए ऊपर से
200 हो गया। यदि आप दोनों तरफ से रखना चाहे एक ही साथ तो आप वो भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए लेफ्ट मार्जिन इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर 200, डबल कोट क्लोज कर दीजिए, स्पेस दे दीजिए टॉप मार्जिन, फिर देखिए बॉडी का ये एट्रीब्यूट यहाँ पे क्लोज हो गया एंगल ब्रैकेट, फाइल में गया, सेव कर दिया। तो अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया, मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। देखिए ये टॉप से 200 मार्जिन है और लेफ्ट से भी 200 मार्जिन, तो यहाँ पर कुछ इस जगह पे आपका दिखेगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। देखिए ये टॉप से भी 200 है, लेफ्ट से भी 200 है। तो ये हमने दोनों ही अप्लाई कर दिया इसमें आप, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि हाँ एक साथ सारा कुछ कंप्यूटर में हम काम कर सकते हैं। अभी आपने देखिए बॉडी का जो एट्रीब्यूट था इसके पहले, बॉडी बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर, वो हमने हटा दिया है। अभी सिर्फ लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन है, आप चाहे तो वो दोनों भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप बॉडी बीजी कलर COLOR इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर AQUA हमने ये कलर दे दिया बॉडी का बीजी कलर। देखिए फाइल में गया, हमने सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो ये बैकग्राउंड कलर एक्वा आ गया हमने, ठीक है। और लेफ्ट मार्जिन भी एप्लीकेबल है, टॉप मार्जिन भी एप्लीकेबल है, चाहे तो टेक्स्ट का कलर भी हम दे सकते हैं, जैसे कि पढ़ा था आपने टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हमने दे दिया रेड, डबल कोट क्लोज कर दिया। देखिए आप जरा ध्यान से सिंटेक्स को देखेंगे आप, बॉडी लिखा, यदि हमने कोई भी बॉडी का एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं किया, जैसे ये सभी एट्रीब्यूट्स हैं इसको अप्लाई नहीं किया, तो जो एंगल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है दिस वन, ये एंगल ब्रैकेट सीधे बॉडी के बाद यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि हमने पहले सीखा था। अभी हमने इसमें क्या किया, बॉडी का बीजी कलर एक्वा अप्लाई किया, टेक्स्ट भी अप्लाई किया रेड, लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन ये भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी हमने जैसे ही फाइल में गया इसको सेव कर लिया, अब हम इसे जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सारा एप्लीकेबल है, बस टेक्स्ट का कलर रेड एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एप्लीकेबल करें, देखिए माय नेम इज मोहन, ये टेक्स्ट का कलर एप्लीकेबल हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम सीख सकते हैं अपने पास, यदि आपके पास कंप्यूटर है आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और HTML बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो स्टूडेंट्स हमने आज जो सीखा वो पेज नंबर 98 और पेज नंबर 99 से है। आप इसको और इसके पिछले जो वीडियो में बताया गया है कि हाउ टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, उसको बहुत ही अच्छी तरह से आप समझेंगे और पढ़ेंगे, बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट। सो थैंक्स फॉर द डे।